हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल लवली बडीज आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा और आज हम करेंगे स्नैपशॉट जो हमारे बुक है उसका चैप्टर नंबर वन या सो वी हैव टू बुक्स हमारे पास में हॉर्नबिल है और हमारे पास में स्नैपशॉट है सो स्नैप चैट मत कर देना इसको ये बुक का नाम ना है स्नैपशॉट कहीं ना कहीं मीनिंग सिमिलर है यहाँ पे बट दिस चैप्टर वन इज रियली इम्पैक्टफुल क्योंकि ये हमें हमारे uh, <clears throat> बोलते हैं ना कि जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अप्स एंड डाउन में दूसरों की चीजों के साथ में देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्लिक करता है वाई कांट वी ऑल्सो डू इट हम भी उस गलत रास्ते से जाकर के उन चीजों को अपना सकते हैं लाइक स्टीलिंग है ना चोरी कर लेना या कुछ और तरीके से कोई भी काम बस दूसरों को दिखाने के लिए या अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत ज्यादा ही ज्यादा ही क्यूरियस हो जाते हैं पैशनेट हो जाते हैं कि हमको भी ये अर्ज जो है हमारे दिल में उसे पूरा करना बट दिस इज अ मैसेजफुल स्टोरी जो आपको भी याद दिलाएगा कि जो हमारी फाउंडेशन है जो हमारे है 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 ना तो हमें हमारे जो morals है, हमारे वैल्यूज है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए एंड हाउ इन दिस चैप्टर इट इज डिडिक्टेड टू आज तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहां द चैप्टर नेम यू कैन सी इज द समर ऑफ द समूटिफुल वाइट हॉर्स सो व्हाइट हॉर्स तो है ही है लेकिन व्हाइट हॉर्स के अलावा कौन है वो सब जानेंगे बट बिफोर दैट वी शुड नो कि इसके ऑथर कौन है सो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऑथर का नाम है हमारे सामने विलियम सरियोन आपको याद रखना है नेम इज़ विलियम सर अब जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो ही वॉज बॉर्न इन कब इनका जन्म हुआ था नाइनटीन डेट नहीं पता है इट्स ओके ओके एंड कहाँ इनका जन्म हुआ था ही वॉज बॉर्न इन फ्रेस्नो दिस इज नॉट फ्रेंच दिस इज फ्रेस्नो ओके कुछ टर्म्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती हैं आपको बट यू डोंट हैव टू वरी हम आराम से सीख लेंगे ये वन शॉट आपको एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है बिकॉज जब हम लोग एग्जाम्स में होते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि कोई बस एक पूरा तरीके से सामनी करके या वन शॉट करके बता दे तो हम एग्जाम में उसे एज अ अटेज करके आ जाएंगे हमारा आंसर्स uh, लिखने का मैथड जो है अब तक हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो हम अच्छे से कर लेंगे सो इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ दैट या फिर आप अपने फ्रेंड को बताना चाहते हैं डू शेयर दिस सेशन राइट नाउ सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो और

करते थे अब इनको दो बार अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं दैट मींस ही रिसीव टू अवार्ड्स एंड इन 1940 ही अर्न दिस पुलट प्राइज फॉर ड्रामा दैट इज अ बिग बिग वन किसी भी लिटरेट के लिए जो लिटरेचर uh, में अपना वर्क uh, देते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा प्राइज होता है एंड एज वेल एज इन नाइनटीन ही वॉन दट अवार्ड फॉर द फिल्म द ह्यूमन कम्स एंड इट वॉज द अकैडमी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी एज वेल तो ये सारा जाना हमने ऑथर के बारे में नाउ मस्ट बी क्वेश्चन कमिंग इन ऑन मैम हमें इतना जानना जरूरी था क्या yes. जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे यू विल गेट टू नो समू विल्जाम जब भी आपके अगर एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आएगा सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट सम पॉइंट अगर आपको यह सारा याद रह जाता है तो इट्स इट्स ओके नॉट इट्स लाइक बेस्ट बट अगर कुछ पॉइंट याद रहते हैं तो जरूर से लिखिए आपका आंसर ही प्रेजेंटेबल है वहां पे लाइक आई ऑलवेज से वेन यू गो समवेयर तो अपने आप को रेडी करके फुली ग्रूम्ड होके जाते हो ना तो ग्रूम क्यों करते हो आप ऐसे ही क्यों नहीं चला जाते हो बिकॉज वी नो कि जब हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को तो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होता है हाउ वी लुक सिमिलरली आपका आंसर कैसा दिखता है वो भीड़ की तरह ऐसे की तरह आपने कोई पैराग्राफ चेंज नहीं किया कोई आपने इन्वर्टेड uh, कॉमर्स या कोटेशन का यूज़ नहीं किया है कहीं पे आपने हाईलाइट नहीं किया अंडरलाइन नहीं किया तो वो जब चीजें ही आपका आंसर uh, या फिर आपने ये सब कुछ लिखा है पैराग्राफ में बट स्टिल आपने उसको एक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो मतलब का नहीं रहता है ना तो दैट्स वाई देखो मैंने भी कैसे आपको पॉइंट्स में लर्न करवाया देन मैंने आपको किस तरीके से हाईलाइट किया ये ये पॉइंट्स आपको लिखना ही लिखना है. चलो बहुत सारी बातें हो चुकी है अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टर्स को जानते हैं सो वेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स थ्री मेन कैरेक्टर्स आर एंड द फर्स्ट दस्ट बेस्ट वन इज आई कैन से इज वाइट वाइट हॉर्स हॉर्स आप इस को देखो आपका भी मन ऐसा कहता है ना दैट वी ऑल्सो शुड राइड अ हॉर्स और मेरे पास में भी एक हॉर्स होता तो मैं इस तरीके से और वाइट हॉर्स की कहानियां तो कुछ ना कुछ बॉलीवुड से मिलती है कि आ, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स जनरली दे हैव देर इमेजिनेशन कि मेरा राजा आएगा पे घोड़े पे वाइट घोड़े पे सवार होकर के मेरा प्रिंस आएगा मुझे ले जाएगा लाइक दैट सो इट्स ऑल बॉलीवुड बट इट इज़ नॉट दिस हेयर बॉलीवुड यहाँ पे कोई बॉलीवुड सीन नहीं चल रहा है बट येस व्हाइट हॉर्स तो हर किसी को मेसमोराइज कर देता है उसी तरीके से यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं दो बच्चे हैं आराम नाम है एंड द नेक्स्ट वन इज़ मुराद अब इन दोनों के पूरे इर्द गिर्द चलती है देर आर टू मोर कैरेक्टर्स एक तो अरम की मदर भी हैं और एक अंकल भी आएंगे साथ ही साथ में इस हॉर्स के ओनर भी हैं बट वो ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है मेन कैरेक्टर्स आर दिस ओके लेट्स गेट स्टार्टेड अब स्टार्ट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को वेन आई टॉक अबाउट दिस स्टोरी तो ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है दो स्टूडेंट्स है दो चिल्ड्रन का हो स्टूडेंट्स का एंड दे आर फ्राम अरमानियन ओके दे आर अरमानियन बॉयज और उनका नाम क्या है अरम एंड मुराद ठीक है अब नाव जब हम बात करते हैं इन दोनों की तो दे आर अराउंड एलेवन टू थर्टीन ईयर्स ओल्ड है ना कितने साल के अराउंड है तो एलेवन टू थर्टीन ईयर्स ओल्ड है ये एंड दे बिलोंग फ्रॉम कहाँ से बिलोंग करते दे बिलोंग फ्रॉम ग्रैगोलेनियन फैमिली अब इस फैमिली के बारे में एक्चुअली मैं बताती हूँ जैसे देखिए हमारी फ़ैमिली में भी आ, क्या होता है कुछ रूट्स होते हैं दैट हमें इस बात के लिए जाना जाता है कि ये इस फैमिली से ओ वाओ इनका बैकग्राउंड इतना अच्छा है इनके यहाँ एजुकेशन है सिविलाइज्ड दे आर डिसिप्लिन दे आर तो इस तरीके से क्या होता है कि एक फैमिली का एक और होता है कि इस फैमिली के पर्सन में ये वाला बात तो होगा तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं गैग्रोलैन फैमिली के बारे में तो इनके अंदर भी एक चीज थी और वो बात क्या थी उनकी वैल्यूज ये थी कि ये कभी भी चाहे कितने भी गरीब होंगे ये कभी स्टील नहीं करेंगे कभी भी चोरी नहीं करेंगे तो ये इनकी फैमिली का था दूसरा

कहा कौन अरम और मुराद की भी बात करें तो ये भी इसी ट्राइब से बिलोंग करते थे नाउ व्हाट हैपन एक दिन क्या होता है सुबह सुबह चार बजे सुबह सुबह चार बजे मुराद जो है वो एक वाइट हॉर्स लेके आता है ओके सो अर्ली इन द मॉर्निंग एट फोर अर्ली इन द मॉर्निंग एट फोर ओ क्लॉक मुराद केम टू किसके हाउस आएगा केम टू हाउस ऑफ अरम अरम किस uh, घर के आके ही नॉकड एक टैप 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 करता है नॉक करता है वहां पर अरम ही वॉज समवेयर स्लीपी वो स्लीपी होता है एंड ही uh, उट ऑफ दूसरिस्ड एंड सरप्राइज एंड शॉक वर्ड यू कैन यूज तो इतना मुंह से आवाज भी नहीं निकलती मुराद और व्हाइट हॉर्स है उसके पास में और मुराद उसके ऊपर बैठा हुआ है सो so, जब ऐसा सारा सीन होता है तो मुराद उसे बोलता है हाँ हाँ येस येस यू विल फाइंड इट आउट आउटर यहाँ पे देखो ये होगा येस इट्स अ हॉर्स मुराद क्या कहता है हाँ यू आर लाइक यू यू आर लुकिंग ये सही है एकदम सच है दिस ट्रू दैट इट इज अ हॉर्स ओके सो इस स्टोरी ओपन विद मुराद कमिंग टू अराम कितने बजे चार बजे आएगा इन द मॉर्निंग एक दिन ओके ही टैब्ड ऑन द विंडो ही नॉक और टैप्ड ऑन द विंडो टू अरम्स रूम एंड अर लुकड आउट ऑफ द विंडो ही अ बैक एंड startled. ये दो वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. You should also learn these words and use it in your daily life. जैसे shock बोलते हैं. Startled भी इसी तरीके का वर्ड है जब आप एकदम से चकित रह जाते हैं किसी चीज को देख करके. So he was startled to see. क्यों क्या देख के? That Murad was riding. Murad was riding a beautiful white horse. You can see in the picture as well. This is a beautiful white horse and who is uh, राइडिंग कौन माउंटेड है इसके ऊपर इस पे माउंटेड है मुराद दैट टाइम ही ही वाज सो डेज अब डेज मींस व्हाट बिकॉज ही वाज समवेयर स्लीपी तो वो डेजी फीलिंग ही थी उसके वो ना मतलब प्रॉपरली ना तो जगा था ना कॉन्शियस था ना अनकॉन्शियस था सो मुराद उनको कहना पड़ा या या इट्स अ हॉर्स एंड यू आर नॉट ड्रीमिंग इट्स नॉट अ ड्रीम ओके तो तुम जग चुके हो कोई सपना नहीं है दिस इज अ हॉर्स एंड आई एम राइडिंग अ हॉर्स नाउ दिस वॉज ऑल अनबिलीवेबल क्योंकि जो अरम है उसे पता था दे दे, दे वर टू पुअर टू बी एबल टू तो अफोर्ड अ बाय अ हॉर्स आरम को बहुत अच्छे से पता था कि ये तो अनबिलीवेबल चीज है बिकॉज हमारे पास में इतना पैसा नहीं है एंड दे, दे बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली सो वो कभी भी हॉर्स नहीं खरीद सकते थे द ओनली वे मुराद गुड अब मुराद कैसे हॉर्स ला सकता था दैट वॉज द ओनली वे एंड दैट वॉज बाय स्टीलिंग क्या था तरीका कि वो स्टील कर सकता था दैट्स द ओनली वे दे कैन हैव अ हॉर्स दे वर टू ऑनेस्ट टू लाई एंड येट टू क्रेजी टू राइड अ हॉर्स अब वो दोनों मतलब ऑनेस्टी के साथ में मतलब क्या कह रहे हैं ईमानदारी से झूठ बोल रहे हैं कि हाँ ये हमने स्टील किया है मतलब एक दूसरे की बात हो रही है यहां पे और साथ ही साथ में उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो वो क्रेजीनेस है उनके अंदर वो दिमाग में पागलपन है उसे yes, राइड करूंगा ऐसे तरीके से घूमूंगा सब, सब जनों के सामने लेके जाऊंगा बट वॉज द प्रॉब्लम बिकॉज इट वॉज स्टोलन है ना ये जो हाँ, वाइट हॉर्स है वो

हॉर्स तो अभी क्या हो रहा है दैट दे कांट टेक दिस हॉर्स इन डे वो कभी बाहर नहीं निकाल सकते उसे दे फ्यूर ये क्या करते है? दोनों ही कैप्ट द हॉर्स विद देम फॉर वीक्स अब उनको अपना जो सपना है वो पूरा करना है फॉर दैट रीजन डिड उन्होंने क्या किया दो हफ्तों तक अपने पास में ये रखा हॉर्स एंड दे मजे करने हैं उनके पास में जाए अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारे को गाड़ी लेना है राइट यू वॉन्ट टू हैव अ व्हीकल आपको व्हीकल चाहिए है लेकिन अभी आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप एक स्कूटी या एक बाइक ले सकते हैं सो so, सम वे समे यू मैनेज टू हैव इट अब आपको कितना किसी दोस्त से आपने एक दिन के लिए बोलते हैं ना कि यार मुझे भी चलाने दे दैट फीलिंग दैट फीलिंग दे आर है स्पीड में एकदम ऐसा अपने आप को हीरो समझते हैं आपके बाल उड़ते हो और आप गाड़ी चलाते हो कितना अच्छा फील आता है जब तुम पहली बार ऐसे गाड़ी चलाते हो वैसा ही ये लोग भी इंजॉय कर रहे हैं नाउ हाउ एव द बॉयज डिट नॉट लेट दर्ल्ड नो दे है हॉर्स दे कांट वो कभी भी ये वर्ल्ड को नहीं बता सकते थे कि उनके पास में हॉर्स है बिकॉज ये डिसऑनेस्टी को प्रेस करता और उनके पास में इतने पैसे नहीं थे, डिटेड वाइन इट वॉज द प्लेस जहां पे इट वॉज द प्लेस जहां पे हॉर्स को रखा जाता था कहां पे? में, वाइन okay? यार्ड हम कह सकते हैं कि जहां पे अंगूर जो होता है अंगूरों की खेती की जाती है और वो पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है उसे वाइन यार्ड कहा जाता है ना वन डे एक दिन क्या होता है जिसका द ओनर ओनर ऑफ व्हाइट हाउस कौन है ही इज द ओनर ऑफ व्हाइट हाउस उनका नाम क्या है जॉन ब्रायो ओनर ऑफ व्हाइट हाउस अब एक दिन क्या होता है कि ये जो ओनर है वो आते हैं अरम के घर पे किसके अरम के घर पे आते हैं एंड देन ही ही टॉक टू हिज अंकल उनका अंकल का नाम भी याद रखना नेम इज खुसरो ओके अब ये जो अंकल है ना ये ही ही इज इज नॉट नॉट अ अ नॉर्मल नॉर्मल पर्सन पर्सन वो है एंड वो बहुत ज्यादा चिल्ला के लाउडली बोलने वाले हैं एंड uh, साथ ही साथ में देर इज नो कंटेक्सट ऑफ वट ही सींग एंड वट मिस्टर जॉन इज टॉकिंग तो ये भी देखने को मिलता है इन द

ही इज़ गोइंग ऑन हिज लाइक फुट वो बाई फुट जा रहे हैं इधर से उधर उनके पास में हॉर्स नहीं है सो फॉर अ मंथ ही कूडेंट फाइंड इट एंड ही वॉक फॉर टेन माइल्स टू कम टू देअर हाउस एज वेल एज वो ये बात बताने के लिए टाइम टेन माइल्स से यहाँ तक दूर पैदल चल के आया है और बताने के लिए कि उनका जो हॉर्स है वो मिसिंग है अब जो खुशरू होते हैं बिकॉज ही उनका यही नेचर होता है तो उनके ऊपर भी चिल्लाने लग जाते हैं एंड ही सद इट्स नो हार्म किस में कोई गलती नहीं है पे नो अटेंशन टूट अब ये जो लाइन है पे नो अटेंशन टूट इट इज़ रेप

नाउ बोथ ऑफ दिम इज़ यूज फॉर अरब एंड मुराद अब अरब और मुराद जो है वो क्या करते हैं अरब एंड मुराद प्लान करते हैं दैट एक रिटर्न तो नहीं करेंगे किसे मिस्टर जॉन को तो रिटर्न नहीं करेंगे ओनर को रिटर्न नहीं करेंगे लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये बात भी उनके दिमाग में रहती है इन इन दंसाइंस अंतरात्मा में मतलब मन से सोल से उनको ये बात आती है कि इट्स चीटिंग उनकी जो ट्राइब है उसकी जो वैल्यूज है उनके साथ में वो चीट कर रहे हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे सो विच वॉज कंप्लीटली Their ethics and tribal norms. And, जो ये कर रहे हैं स्टीलिंग वगैरह वो जो अगेंस्ट है किसके अगेंस्ट है उनकी जो ट्राइब है जो नॉम्स को फॉलो करती है उसकी जस्ट अगेंस्ट है तो बोथ दिंग्टी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कॉन्ट्राडिक्ट्री क्यों है कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि उन्हें उन्हें चाहिए तो है दे वॉन्टेड रियली बट बिकॉज उनके एथिक्स जो है उसे अलाउ नहीं करते एंड दैट्स होल स्टोरी स्टोरी का थीम ही ये है कि आप, आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में करनी होती है एंड देर आर सो मेनी शॉर्टकट्स टू डू दैट बट यू हैव टू रिमेन टू योर एथिक्स एंड वैल्यूज यही बताया है तो वट वॉट हैपन डे कि एक दिन वो ना जा रहे होते हैं कहाँ पे एज आई टोल्ड यू की व्हाइट हॉर्स को वाइन यार्ड में रखते थे है ना तो गोइंग गोइंग और वहां से वापस आ रहे होते हैं मतलब वो वहाँ पे ले जा रहे हैं वाइन यार्ड की तरफ हॉर्स को एंड तभी मिस्टर जॉन जो है सो दे कंफ्रंटेड तो मिस्टर जॉन भी वहां पर आ जाते हैं जैसे जॉन आते हैं वो एग्जामिन करते हैं ही एग्जामिन देखो सो दे मैटर टाउन ही टॉक टू दैम एंड केयरफुल एग्जामिन द हॉर्स एग्जामिन करते हैं एंड वॉट ही एडमिटेड ही उन्होंने कहा द हॉर्स लुक एग्जैक्टली एग्जैक्टली हॉर्स जो है वैसा ही दिखता है जैसा मेरे पास में था बट वो कहते हैं हो सकता है कि ये जो है वो ट्विन हो लाइक द वन ही हैड बट सिंस ही न्यू हिज पेरेंट्स लेकिन क्योंकि जॉन जो कहते हैं वो कहते हैं हम आपके पेरेंट्स को जानते हैं आराम के पेरेंट्स और मुराद के पेरेंट्स को जानते हैं और उनके पेरेंट्स की वजह से आपके पेरेंट्स को हमको भी ऐसा होता है ना मेनी टाइम्स कि भाई आपके पेरेंट्स को जानते तो नहीं नहीं है ना अच्छा न, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है चलो आ, गलती हो गई होगी ऐसा करके कई बार हमको भी बचा लिया जाता है हम बच जाते हैं बिकॉज ऑफ़ आर पेरेंट्स नेम्स और बिकॉज ऑफ़ आर लाइक यंग ब्रदर और नॉट यंग एल्डर वन ओके सो एल्डर वनस के नाम से बच अच्छा ये इसका भाई है अच्छा इसकी बहन है ऐसा नाम लेकर के हम बच जाते हैं ना तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये बच गए क्योंकि जो मिस्टर जॉन है दे न्यू कि ये फैमिली तो बहुत अच्छी है उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं ये कभी ऐसा नहीं कर सकते एंड ही एडमिटेड भी ये तुम्हारा जो हॉर्स है वो टोटली totally सेम है मेरे हॉर्स की जैसा एंड uh, ट्विंस हो सकते हैं ऐसा करके और वो आगे चला जाता है एंड ही हैड इज मिसिंग हॉर्स देखो ही अज्यूम इट वॉज अ ट्विन हॉर्स नाउ मुराद मैनेज करता है मिस्टर uh, जॉन को ये समझने के लिए कि कि हाँ, ठीक है है uh, हो सकता दोनों करते थे हॉर्स लेकिन uh, उस बात को वाला वो इस तरीके से मोल्ड करके और उनको जाने देता है एंड जब वो चले जाते हैं हॉर्स बैक टू मिस्टर बारोज वाइन यार्ड कहा लेके चले जाएंगे अब वापस मिस्टर जॉन जो इसके ओनर uh, है उनके वाइन यार्ड में छोड़ के आ जाएंगे एंड पुट इट इन दान वहीं पर

ட்டு <tip> इट वॉज समवेयर सैडनेस है ना सैडनेस को रिप्रेजेंट करने वाला है उसी आफ्टरनून को अगेन मिस्टर जॉन अबैरो आते हैं कम बैक टू हिज हाउस टू टेल हिज मदर किसकी मदर आराम की मदर को बताते हैं कि मेरे को मेरा हॉर्स मिल चुका है एंड हु हैड कम बैक ही वॉज हैप्पी अब वो खुश हो चुके हैं एंड वॉज अस्टोनिश टू सी हॉर्स बेटर टेम्पर एंड इट वॉज स्ट्रोंगर देन एवर ये लाइन याद रखना दैट वेन जॉन मिस्टर जॉन गट बैक हिज हॉर्स जब मिस्टर जॉन को अपना हॉर्स वापस से मिलता है वट ही फेल्ट ही

एंड नाउ वट वी लर्न फ्राम द स्टोरी इफ यू आस्क मी दैट्स देंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी और वट्स द थीम ऑफ द स्टोरी बेसिकली यही है दैट दिस स्टोरी टीचर इज द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ ऑनिस्टी इन आर लाइफ है ना बहुत सारी चीज़ें हमें बेईमानी से मिल सकती है और लोगों को देख के हम इंस्पायर भी हो जाते हैं कि अरे वो भी कर रहा है हम भी कर सकते हैं ना नो 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 यू हैव टू बी स्टिक टू योर वैल्यूज आप अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को अगर रखते हुए चलोगे तो आप अपने लिए सैटिस्फाइड रहोगे एंड होता है ना कि जब बुरा वक्त आता है तब हम हमेशा बोलते हैं कि यार ये मेरे मैंने ही गलत किया था इसलिए ऐसा हो गया या फिर अच्छा हुआ कि मैंने गलत नहीं किया देखो तो भगवान ने मुझे बचा लिया सो इट इज समे यू कैन लाइक से टू योर सेल्फ बट आई ऑलवेज से कि अगर आप अपने एथिक्स को वैल्यूज को ऑलवेज प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो करते हो तो आप अपने लिए कंटेंट होते हो आप अपने को जवाब देने लायक होते हो एंड दैट्स द ऑनेस्टी कब ऑनेस्टी इन द फेज ऑफ ग्रीड एंड पैशन जब आपके सामने आपका ग्रीड लालच और पैशन आ जाता है ना तब लोग जो है वो बेईमान uh,

कर रही हैं बट but... वहीं पे ऐसी स्टोरीज जो है वो आपको बांधे रखती है और वो आपको समझाती है दैट नो जो आप दुनिया में देख रहे हो दैट इज नॉट ऑल अबाउट इट इज जस्ट द पार्ट यू कैन सी तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर की, शेयर कीजिए ये सेशन इफ़ यू लव यू आर लाइकिंग इट सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड थ्री टू वन एंड वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन ओके फर्स्ट यू हैव टू आंसर इट डेफिनेटली आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन क्या है वट वर द हॉल मार्क्स ऑफ ग्रेगोलियन ट्राइब क्या हॉल मार्क्स थे हॉल मार्क्स मीन्स

어? <susur> जैसा बोलते हैं ना कि एक टीचर होता है तो इसी तरीके से ये क्या था ये टीचर था वहां पे एंड मुराद जो था मुराद ने इस तरीके से अपने हॉर्स के साथ में मोल्ड कर दिया उसे कि पहले तो वो वाइल्ड जाना चाहता था लेकिन उसको बाद में टेम कर लिया और कंट्रोल करके जैसा जैसा वो करना चाहता था उसको वैसा ट्रेन किया वाई डिट रिटर्न इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क इट एज स्टार एज मेनी स्टार्स एज यू कैन तो मुराद स्टोल द हॉर्स बिकॉज ही हैड पैशन टू राइड इट द रीजन भाई चोरी करने के

हाई रेप्यूटेशन ऑफ फैमिली फॉर ऑनस्टी और साथ ही साथ में वो इंसिडेंट उसे याद आ जाता है जहां पे उन्हें जॉन uh, जब मिलते हैं एंड ही इनकाउंटर आपकी जो पेरेंट्स हैं उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं एंड योर फैमिली हैजप्यूटेशन और जिस वजह से यू कैन स्टिल यू वोट डू एनी थे फ्यूचर एज वेल तो यहां पर उन्हें रियलाइज हो जाता है रीजन ही रिटर्न लास्टली taking वज somebody डीड ऑफ and hiding it?

नो द इम्पॉर्टेंस की कैसे आपको क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं मैंने सारे अच्छे से बता दिए हाउ मनी क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट वो भी सारे करवा दिए हैं एंड यू नो वेरी वेल वट इज द टाइम योर टू सेफोर दैट आपको अगर कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है तो डेफिनेटली बताइए आई एम ओपन टू योर कमेंट सेक्शन आपको अपने आंसर्स भी शेयर करने हैं वट यू वॉन्ट इन द नेक्स्ट सेशन वो आप मुझे बता सकते हैं एंड हाउ यू लाइक दिट दिस सेशन वो भी जरूर से बताइए डेफिनेटली डोंट फोगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स बब बाय एंड थैंक यू